इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के मुक्ति धाम में हैं और मुक्ति धाम ने मुजफ्फरपुर के मुक्ति धाम के क्षेत्र में रहने वाले आसपास के बच्चों के लिए एक सराहनीय पहल की शुरू की है। जो बच्चे कल शमशान घाट में जो शव आते हैं उस पर चढ़े मिठाई और फूल को चुनने में लगे रहते थे, उन बच्चों को एकत्रित करके उन्हें पढ़ाई कराने की व्यवस्था कर रखी है और इसमें लगभग 50 बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें शिक्षित करने की पहल मुक्तिधाम समिति कर रही है। मुक्तिधाम के संयोजक रमेश केजरीवाल स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या पहल है, किस तरह से ये पहल बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं, जो कि मैंने देखा कि इस एरिया में सभी बड़े से बड़े लोग हैं, इलिटरेट हैं, वो अंगूठा छाप हैं। आज भी इस स्वतंत्रता के समय में आज 75 साल बीत गए, उसके बाद यहाँ पर सैकड़ों लोग जो कि बड़े हो गए हैं वो भी अंगूठा छाप हैं। इसके लिए मैंने इसको पहल की और पहल करके यहाँ पर बनवासी कल्याण केंद्र से बात करके यहाँ पर इसको स्टार्ट कराया गया। क्या परिचय है? मेरा परिचय है रमेश कुमार केजरीवाल, संयोजक मुक्तिधाम प्रबंध कार्यकारिणी समिति। आप बताइए किस तरह से बच्चों का रुझान रहता है, चूंकि यह तो बड़ा ये एक बहुत ही मतलब क्या कहा जाए बच्चों के बारे में कि जब सब आते थे तो सारे बच्चे सबके पीछे जाते थे फल चुनने के लिए। इन लोग को पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था, पढ़ाई का मतलब ही लोग समझते नहीं थे, लेकिन जब से रमेश केजरीवाल जी ने इस संस्था को अपने हाथ में लिया उस समय से इनकी नज़र बच्चों पर पड़ गई कि नहीं, ये कार्य जो बच्चे कर रहे हैं, जो सबके साथ दौड़ते हैं फल चुनने के लिए, इनको पढ़ाना शिक्षित करना बहुत जरूरी था। जी मैं राजकुमार चौधरी यहाँ का प्रवक्ता हूँ। ये राजकुमार जी हैं, आप बताइए, आप तो इसी क्षेत्र में रहते हैं। हम तो इसी ग्राउंड के भीतर रहते हैं और जितने बच्चा का जो पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है आज से नहीं, हम फिर दूसरे सबको करते हैं, पढ़ाने का व्यवस्था करा किया है। जैसे केजरीवाल जी, इनको भी रिक्वेस्ट किया। पहले बच्चा तो क्या करता था? पहले फल फूल खाता था, इसी में रहता था। क्या नाम हुआ? शौकीलाल मंडल। शौकीलाल मंडल हैं जो शमशान घाट में रहते हैं, निगम के कर्मचारी हैं, उनसे जानते हैं, काफ़ी पुराने हैं। क्या स्थिति थी पहले? पहले बच्चा सब लोग पढ़ता नहीं था, सौ के साथ जो भी फल फूल आता था उसको चुन उन के ये सब खाता होता था। लेकिन अब उन लोग का जो है, सर हमारे हैं रमेश केजरीवाल, रानी सती ट्रस्टी और यहाँ के संयोजक हैं, इनके पहल से टीचर का यहाँ पर नियुक्त किया गया और वो दो सर आते हैं, सुमित सर, वो लोग पढ़ाते हैं। क्या परिचय हुआ, किस पद पर आप हैं? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, मैं निगम का कर्मचारी हूँ। निगम के कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति शमशान घाट में हुई है और ये वही बच्चे हैं जो शमशान घाट के क्षेत्र में रहते हैं और पढ़ाई से इनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, लेकिन समिति ने इन्हें पढ़ने की व्यवस्था की। किस तरह से पढ़ाया जाता है बच्चों को, क्या ड्रेस व्रेस मिल दिया गया? हाँ दिया, सब बच्चा को ड्रेस मिला है, सब बच्चा पढ़ रहा था। क्या नाम हुआ? काजल देवी। पहले बच्चा सब नहीं पढ़ता था? नहीं, पहले नहीं पढ़ता था। अब व्यवस्था क्या है? क्या नाम हुआ? पिंकी। पिंकी है इन बच्चों के माता पिता और बड़ी सलीके से जो बच्चे शिक्षा से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रखते थे, उन बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था मुक्तिधाम संयोजन समिति ने की है और इसकी देखरेख स्वयं रमेश केजरीवाल करते हैं ताकि कोई भी बच्चा बगैर पढ़े ना रहे। जब ये इस समिति को बनाए थे और यहाँ पर आए थे तो उस समय बच्चों का शौक पर चढ़ाए जाने में फल और मिठाई चुन करके खाना और खेलना रहता था, लेकिन आज वो बच्चे पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। निश्चित रूप से मुक्तिधाम संयोजन समिति की यह सराहनीय पहल है और इसकी सराहना बिहार तक भी करती है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।